आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो को इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। यूट्यूब फीड में मुझे एक वीडियो मिली जो कि डब्बा की थी। आज से 3 साल पहले वो वीडियो पोस्ट की गई थी। खास बात यह है कि 3 साल पहले ये सोचा गया था कि डब्बा का हस्बैंड कैसा होना चाहिए और उसने खुद भी अपने बारे में बताया था कि उसका हस्बैंड कैसा होना चाहिए। आज 3 साल बाद इनके ये वाला व्लॉग देख के बड़ा मजा आया, क्योंकि कह क्या रहे हैं और उसका अर्थ क्या निकल रहा है और आज की डेट में हो क्या रहा है, इसमें जमीन आसमान के अंतर हैं। इससे पहले कि हम हस्बैंड वाली कहानी शुरू करें, पहले ये कहना चाहेंगे कि इस व्लॉग को देखने के बाद में लगता है कि हाँ, व्लॉग ऐसे बनते हैं और लोग बाग इन्हें क्यों करके पसंद करते थे, लेकिन आज की डेट में इनके व्लॉग देखो तो आपका सिर पर चकरा जाएगा, आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि दिखाना क्या चाहते हैं ये। खास तौर से मैडम और जनाब तो मतलब क्या व्लॉग बनाते हैं। अगर कोई नया व्लॉग देखना शुरू करे इनका अभी तो अपना सर पकड़ ले और आगे से कभी भी ना देखें इनके व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं कि कैसा हस्बैंड होना चाहिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि सारा कोरा कोकोरा ये ड्रामा था, जो ये बात थी कि भाई हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड वैसा होना चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए और दामाद ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब 7 साल से तुम्हारा अफेयर चल रहा था तो भैया इसका क्या मतलब है कि भाई ये हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और फैमिली में सबको पता था इस बात का, ऐसा भी नहीं कि फैमिली को पता नहीं था, मैडम को भी पता था, जनाब को भी पता था और अम्मी को भी पता था। तो लोगों को तो धोखे में ये पहले से ही रखते आए हैं, कभी इन्होंने सच्ची बात बताई नहीं है, यानी झूठ का सिलसिला तो और पहले से ही है। चलिए ठीक है, इनकी हैबिट है। अब देखिए, अम्मी बता रही हैं कि उनको दामाद कैसा चाहिए, उन्हें चाहिए अपने बेटे जैसे दामाद चाहिए। भाई ये तो बहुत दिन से कहावत चली आ रही है, बहू कैसे चाहिए, बेटी जैसे चाहिए, दामाद कैसा चाहिए, बेटी जैसा चाहिए। क्वालिफिकेशन को तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है पहले ही ठप्पा लगा गए थे। अम्मी का जो बेटा है ना, वैसा तो उनको दामाद चाहिए। और डब्बा का कहना यह है कि जैसे भाई हैं भाई, ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है। तो अपनी फैमिली को और सबको कैसे मैनेज करके चलना है, बीवी को साथ में कैसे लेके चलना है, ये भाई से अच्छा कोई नहीं कर सकता। और अगर दुनिया में कोई भी और है ऐसा, मतलब भाई का होना तो मुश्किल है, और अगर दुनिया में कोई भी अगर ऐसा है तो भाई वो बहुत बड़ी बात है और वो बहुत 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 अच्छे हैं। और देखिए, आज जो अगर ये सुनते हैं तो लगता है कि डब्बा ये कह रही है कि भाई जैसा होना मुश्किल है, जो आज की डेट में भाई के घर जो है मतलब के लिए जाती है और भाई जो है मतलब के लिए नीचे आता है, बीवी के साथ में, बच्चों और कहना परिवार के साथ में, माँ के साथ में, सबके साथ में कैसे बैलेंस रखा जाता है, इसके लिए वो भाई की जो है तारीफ कर रही है। अब ये बताओ कि गुटखा किंग क्या कर रहा है और गुटखा किंग के लिए तुम क्या कर रही हो? कोरा ड्रामा। डब्बा बता रही है प्यार के बारे में कि भाई कितना प्यार है दोनों में, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ में कितना प्यार है। आज भी वो जो है खाना एक दूसरे के बिना नहीं खाते, इवन देन मॉर्निंग की जो टी है वो भी अलग अलग नहीं पीते, ये भी लोग एक साथ ही पीते हैं टी। व्यूवर्स लोग, आपका क्या ख्याल है कि डब्बा क्या करती है? खाना एक साथ खाती है या फिर चाय अपने आप ही बना के अपने आप पी लेती है, या फिर जो मॉर्निंग टी है वो साथ साथ ली जाती है? अरे भाई, तुम तो सब बिल्कुल उसके उल्टा कर रहे हो। मतलब नाश्ता तुम्हारा अलग होता है, उसका नाश्ता अलग होता है, खाना उसका अलग होता है, तुम्हारा खाना अलग होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये दोनों चीज़ें तुम दोनों साथ कर रहे हो। क्या भूल गए 3 साल पहले क्या कहा था, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या और कौन सा चीज़ अच्छी लगती है आपको? अभी तो बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। तो नेक्स्ट सवाल आता है कि अमीर गरीब से कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए अम्मी का। अम्मी ये कह रही है कि अमीर गरीब से कुछ नहीं होता, लड़के का दिल अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। लोग देखते हैं कि एक लड़का कमाता क्या है। भाई इन्होंने भी तो देखा था, लड़का अच्छा है, बहुत बढ़िया है, दिल का बहुत अच्छा है, सऊदी में कमाता है। हालांकि वो अब जब शादी करी उससे 2 साल पहले छोड़कर आ गया था, और छोड़कर आया था, वहां से निकाला गया था, वहां झगड़ा हो गया था उसके बाद में। तो ये कह रही है कि लड़का ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा, मतलब समझदार हो, और साथ साथ जो कमाता हो कुछ, चाहे वो बहुत अमीर ना हो, पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन कम से कम कमाता हो। तो क्या ये लड़का कमाता था जब तुमने ये शादी करी थी? अरे ये लड़का तो वो था कि जिसने वहाँ से नौकरी छोड़ने के लिए भी तुम्हारी बेटी से पैसे मांगे, यानी कि डब्बा से पैसे मांगे, उसके बाद में शादी करने के लिए भी डब्बा से पैसे मांगे। भाई वो तो इसलिए मांगे ना, अमीर गरीबी से कुछ नहीं होता, ये ज़्यादा अमीर है तो इन्होंने अपनी अमीरी दे दी, वो ज़्यादा गरीब है तो उसने अपनी गरीबी नहीं दी लेकिन इनकी अमीरी ले ली। अच्छा, और साथ साथ और क्या बोल रही है कि भाई ऐसा होना चाहिए जो अपने फैसले खुद ले सके और अपनी बीवी का भी पूरी तरीके से ख्याल रख सके। ये नहीं कि भाई एक ही तरफा फैसले ले और मम्मी पापा और जो मतलब जो भी होते हैं उनकी भी बात सुने, लेकिन फैसले अपने ले।
भैया यही तो गलती कर दी। फनी इसी गलती में तो फंस गया कि फैसले सारे अपने लिए और मम्मी पापा इन सबको छोड़ दिया और उनका कोई ध्यान नहीं किया, और यही वजह है कि आज की डेट में वो एक समस्या बन चुकी है। और ऐसी समस्या मतलब ऐसी गले की हड्डी बन गई है जो निगले बनती है ना उगले बनती है, ना कि अंदर ली जाए और ना ही बाहर निकाली जाए। इधर तो डब्बा किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है उसकी फैमिली के बारे में, उधर वो फैमिली को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो यहाँ ये डब्बा को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए एड ऑन कर रही है डब्बा, ये कह रही है मौधा में ऐसा होता है कि फैसले लेते हैं माँ बाप फैसले लेते हैं और इससे जो है जिंदगियाँ खराब हो जाती है। यस, जब भी तो जिंदगी उसकी खराब हो गई, जो लड़का तुमसे शादी करना चाहता था और उसने अपनी माँ से कहा, उसकी माँ नहीं मानी, तो अल्टीमेटली तुम्हारी धमकी इन सब से उसने अपनी जान ले ली। और दूसरे लड़के ने अपने फैसला किया, अपने माँ बाप की नहीं सुनी, और जब माँ बाप नहीं माने तो तुम पुड़िया लेके पहुँच गई कॉम्प्लान की कि भाई आज ही बस सारा कॉम्प्लान मैं आज ही खा लूँगी, क्योंकि बचपन में मुझे कॉम्प्लान नहीं मिला था। और वो डर गए कि हो क्या हो गया, बचपन में कॉम्प्लान खाया नहीं था, और अगर आज कॉम्प्लान की पुड़िया खा ली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भैया तू कॉम्प्लान की पुड़िया मत खा, हम तेरी जो है शादी कर देंगे, अपने लड़के से शादी कर देंगे। मम्मी का कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि वो हमारा ही हो जाए, यानी हमारे को ही देखे भाई, रिश्ते जैसे होते हैं वैसे रिश्ते करें, लेकिन फैसले अपने ले। और आज क्या हो रहा है आप लोग बताएं कि आज इनके घर में क्या चल रहा है, आज वो अपने फैसले ले रहा है और ये कह रही कि हमें मतलब एक रिश्ते की तरह देखे भाई, जैसे रिश्ते होते हैं सास के रिश्ते होते हैं वैसे देखे, अपना घर देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमारे लिए होके रह जाए। भैया फिर ये फिर घर जमाई क्यों पड़ा हुआ है, तुम्हारी तो एथिक्स बहुत अच्छी थी और बहुत वाह लूटी तुमने ये वाला व्लॉग बनाकर, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, वो एथिक्स कहाँ चले गए आपके कि भाई घर में जो है एक रिश्ते की तरह होना चाहिए, घर जवाई नहीं चाहिए था इन्हें। और डब्बा भी साफ साफ कह रही है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, अपने घर को देखे लेकिन फैसले अपने खुद ले। डब्बा जी क्या कह रही है, डब्बा जी कहते हैं भाई हमें तो ऐसे ही सिखाया गया है, अम्मी ने जो परवरिश दी है कि जैसे कि भाई है जो अपने माँ बाप का और उन सबका करते हैं ऐसे ही करना चाहिए और ऐसे ही अच्छा लगता है। कहना चाह रही है कि जिस तरह भाई अपने माँ बापों का बहुत ज्यादा करते हैं ऐसी हर लड़के को करनी चाहिए। भैया यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लड़का करने जाता है यानी फनी कुछ भी करने जाता है तो तुम तो बर्तन उठा उठा के फेंक देती हो, गालियां देना शुरू कर देती हो, पूरी सोसाइटी में आग लगा देती हो, सोसाइटी वाले तुम्हारे घर पे आके खड़े जाते हैं भैया ये सब बंद करो अपने घर में करो, इतनी सारी तुम लोगों की आवाज आ रही है, तुम सोसाइटी वाले लोगों को रहने दोगे या नहीं रहने दोगे। अल्टीमेटली उनकी शिकायत की जाती है, उसके बाद नोटिस आता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये व्लॉग ना मेरी फीड में गलती से आ गया, ये वाला जो है इनकी अपनी फीड में जाना चाहिए था और इन्हें खुद अपना व्लॉग जो है दोबारा से देखना चाहिए था कि आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं और पहले हमने क्या कहा था, पहले किस तरह के एथिक्स लेके इतने सब्सक्राइबर जोड़ लिए, इतने सारे सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए, इतने सारे व्यूवर बना लिए कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे विचार कितने अच्छे हैं, हम रिश्तों को कितना समझते हैं, हम हर रिश्ते को इज्जत देते हैं, ऐसा नहीं है कि अपना ही अपना चाहते हैं। अब जब कह रही है कि भाई ऐसा कर रहा है हमको अच्छा लगता है और ऐसा ही करना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं कर रही हो फिर इस बात को, क्यों अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करती, क्यों वहां से भाग कर आ जाती है, वहां से वहां पे जो 10 दिन रुका नहीं जाता, 2 दिन रुका नहीं जाता, और अगर रुकती भी हो 2 दिन या 3 दिन तो ऊपर से उतरती नहीं है, उतरती है तो खाला के घर, खाला के नहीं तो बुआ के घर, मतलब किसी ना किसी के घर, नानी के घर, बाजार सब जगह घूमते रहोगे, लेकिन नहीं बैठना है तो सास के पास नहीं बैठना, सास के साथ काम नहीं करना, उसके साथ कुछ नहीं निभाना, नंद को नहीं देखना, नंद आए जाए कुछ भी करे, उसके बच्चे आए जाए कुछ भी करें। देखा था कितना मातम हो गया था इनके घर में और उसके बाद में भी वो बच्चे आए तो उनको ढंग से जो इसने खाना भी नहीं खिलाया। तो ये क्या कह रही है, हम भी कहीं पे जाएंगे ना तो हम भी जिंदगी में ऐसे ही रहेंगे। भैया अब तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना था क्या नहीं करना था, मुझे लगता है कि वहां पे तो शादी हुई कबूल है हुआ और वहीं पे सारा मामला बिखर गया, लड़का लड़की में चेंज हो गया, लड़की लड़के में चेंज होगी, तो ये अब आज की डेट में रोल कर रही है अपना जेंट्स का और वो रोल कर रहा है जैसे लेडीज का, उसको वहां से ब्याह के ले आए हो और तुम जो है यानी डब्बा घर चला रही है, भैया हद है। और ये भी कह रही है कि हाँ किसी के भी माँ बाप की और किसी की दखल अंदाजी ना हो, यानी सास ससुर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि लड़की के माँ बाप की किसी की भी दखल अंदाजी ना हो और वो अपने आप अपने सुख में रहें, ऐसा हो रहा है क्या भाई। जब तो इन्हें अच्छे अच्छे व्यूवर्स चाहिए थे, ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए थे, पैसा चाहिए था, तो जब ऐसे ऐसे व्लॉग बना दिए, बनाने में क्या जाता है, किताबें पढ़ो लोगों की सुनो और बना दो, अच्छी टीचिंग देने में क्या जाता है, लेकिन जब अपने ऊपर आन के पड़ी, जब ये शादी हुई तो सब बिखर गया।
क्योंकि ना पहले अच्छे थे ना आज अच्छे हैं। इनके विचार, अखलाक, इनकी परवरिश वो सब अच्छी है कहाँ। माँ बाप दोनों भाग भाग के शादी करी है, यानी दूसरी जगह भाग भाग के फिर उसके बाद में इन लोगों की शादी हुई है। तो ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे फैमिली में पहले चलती आई है। तुमने कहा माँ बाप इन सबका पूछा, वो दादी मर गई वहाँ पर, कोई देखने नहीं गया, कैसे भी करके उसकी कोई हेल्प नहीं करी, वो बीमार रही इतनी ज़्यादा। $100 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि कैसे पता चलेगा वो हमसे कितना प्यार करता है, यानी कि जेंट्स जो है, यानी कि बॉय जो है, यानी दूल्हा जो है अपने दुल्हन से कितना प्यार करता है, लड़की से कितना प्यार करता है, ये कैसे पता चलेगा। ये 7 साल से जो तुम जो शादी से पहले इतना प्यार मोहब्बत इश्क सब कुछ कर रही थी, तो वो बिना प्यार मोहब्बत के कर रही थी या वैसे कुछ लेन देन चल रहा था। तो भैया यहाँ प्यार मोहब्बत ये तो सब चीज़ें एक तरफा हैं, क्योंकि ये शादी जो है शादी है ही नहीं, ये तो एग्रीमेंट है कि भाई तुम मेरी ज़रूरतें पूरी करो, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूं। यहाँ पे और फैमिली क्या करेगी क्या नहीं करेगी, जो एथिक्स की बात कर रहे हैं ये कि माँ बाप को कैसे रखना चाहिए कैसे नहीं रखना चाहिए, दखलंदाजी कितनी होनी चाहिए और कैसे करके उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें तो उसके ऑपोजिट कर रही है। अब देखिए सारे अपने मतलब के क्वेश्चन हैं, कह रही है कि अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो आप बताओ लव मैरिज ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। अब ये क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मतलब क्या एक्सपेक्ट करोगे कि माँ जो है किस तरह का जवाब देगी। माँ सीधे सीधे हर एक माँ, एक साधारण माँ यही जवाब देगी कि नहीं लव मैरिज भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। ये बच्चे माँ बापों को हो सकता है दुश्मन समझ ले, लेकिन माँ बापों का सबसे पहला फर्ज तो यही रहता है कि हमारे बच्चे के लिए वो चीज़ ठीक है या नहीं है। वो अपना फ़ायदा नहीं देखते, वो पहले बच्चे की सोचते कि बच्चे की उम्र के साथ में ये सारी चीज़ें सही चलेंगी या नहीं चलेंगी, उसके बाद में ये फैसला देते हैं। इसमें क्वेश्चन इसका नहीं है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो भाई अब रहा अम्मी का जवाब, अम्मी ने तो पहले से ही लव मैरिज करी है और उसके पहले भागी थी, ये सब किया, तो उनके लिए तो जिंदगी में प्यार मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, तो इसलिए जो ना इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लव मैरिज कर लो या कैसे भी कर लो। देखने वाली बात ये सवाल कौन पूछ रहा है, उसका तो पहले से ही अफेयर चल रहा है, तुम्हें सबको पता है कि अफेयर है, उसके बाद में फिर तुम्हें और कैसे कह सकती हो कि ना 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 ये लव मैरिज और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, बच्चों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की सुननी चाहिए, ऐसा तो ये बोल ही नहीं सकती। अरे भाई ये तो माँ का जवाब था, अब बेटी का जवाब सुन लो। बेटी कह रही है ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि दोनों के घर वाले राजी होना चाहिए, ये नहीं कि भाई बस खुद ही ऐसे कर लिया, उनसे पूछना चाहिए, उनका जब राजी हो तभी करना चाहिए। तभी तो तुमने जो है एक नहीं दो दो नहीं तीन तीन नहीं चार चार लड़कों की ज़िंदगी ख़राब करी है। क्या ये जो सारी चीज़ें हैं ये रजामंदी से हुई हैं, यानी फनी के माँ बाप और इन लोगों ने सबने रजामंदी से करी हैं, ये जबरदस्ती की गई हैं। चलिए क्या है, झूठ बोलने में क्या जाता है, झूठ तो बोल ही देते हैं, पहले तो सभी लोग झूठ बोलते हैं। भाई अम्मी तो उदाहरण भी दे देती हैं कि मेरे बेटे बहू ने जो है लव मैरिज करी थी, उनका इतना अच्छा प्यार था, अब उनमें अच्छा प्यार था तो क्या है शादी कर लेनी चाहिए। उसमें फिर दोबारा कंक्लूड करने से पहले कि लड़का जो है समझदार होना चाहिए, पैसे वैसे से कोई बात नहीं है, कम आते तो सभी हैं भैया, तुम्हारा कहाँ कम आता है, आज की डेट में भी पिछले 4 से 5 साल से निठल्ला है और आज भी निठल्ला ही है, और ऊपर से वो गुटखा किंग भी है, और उसके ऊपर से वो गुटखा किंग जो है क्या करता है कोल्ड ड्रिंक पीता है। अम्मी सुन लो जरा ध्यान से सुन लो, वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, तुम्हारी बेटी ने ही बताया वो कोल्ड ड्रिंक पीता है। भाई क्या कहें, एक एक छाट छाट के गुण है, एक एक छाट छाट के गुण है, उसके बाद में भी ये व्लॉग बनाने बैठते हैं और अपने आप को आइडियल फैमिली बोलते हैं, आइडियल लोग बोलते हैं, अपने आप को परफेक्ट कपल बताते हैं। डब्बा का संदेश सुन लीजिए कि भाई जो भी लड़के देख रहे हैं तो आप जो अपनी पत्नियों का ख्याल रखें, उनको बिल्कुल भी परेशान ना करें, और ऐसे ही मैं लड़कियों से कह रही हूँ भाई अगर आप करती हैं तो ऐसा मत कीजिए, उसको बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए, उनकी फैमिली को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए। भैया तुम क्या कर रहे हो, सारा काम उल्टा कर रहे हो, क्योंकि तुमने सिर्फ व्लॉग बनाने थे, व्यूवर्स इकट्ठे करने थे, और तब तो बहुत अच्छा अच्छा करके दिखाना था, आज की डेट में उन सारी चीज़ों में कीड़े निकल रहे हैं और उनको किसी भी तरह एक्सेप्ट करने को तुम तैयार नहीं। देखो अम्मी जोर दे के कह रही हैं कि भाई हमने 100 बात की एक बात कही, लड़का अगर खुद फैसले लेगा तो कभी फैसले गलत नहीं होंगे। भैया लड़का को फैसले लेने देते हो तब ना, वो तो फैसला कर रहा है कि अपने माँ बाप को मैं यहीं रखूंगा और मेरे माँ बाप यहाँ रहेंगे, तुमने 4 दिन में ही उनको भगा दिया।
और अम्मी का कहना है कि वो बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करती बहू में और बेटे में, वो आपस में खूब अच्छा प्यार करते हैं, खूब अच्छे प्यार से रहें, हमें कोई चिंता नहीं, हम तो खुश हैं, हमें सब चीज़ मिल जाती है, हमें सूट टाइम से मिल जाते हैं, हमें खाना टाइम से मिल जाता है। वास्तविकता ये है कि मैडम ने जिस दबदबे के साथ में इस घर को बनाए रखा है भैया, ये ही है मैडम की ताकत है कि ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और जनाब का ये इंटेंशन है कि भैया तुम्हें हर तरह से मेरे माँ बाप और इन सबको करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, तुम्हारे माँ बाप सारे सारे बाकी सब लोग जो दूसरे रिलीजन के लिए हैं, इसलिए तुम एक एक करके एक एक करके उनको दफ़ा करो या फिर छोड़ दो, यानी उनसे रिलेशन देखिए मैडम के हो गए कम सारे के सारे। ऐसा थोड़ा ना है कि मैडम ऐसी है कि भाई उनके मतलब ये मैडम की गलती थी, चाहे कोई कुछ भी कहे, जिस तरह से वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहे थे तो आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए था। एक एक्चुअली इक्वल बैलेंस बना के रखना होता है, जो बेसिकली ये फैमिली करती नहीं है, अपने आप को वैसे ही आइडियल फैमिली दिखाती है पर ऐसा करती नहीं है। चलिए, और हो सकता है बहुत सारी बातें हम एक्सप्लेन ना कर पाए हों, आप ये वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कितने ढकोसलेबाज है, कितने दोगलापन है इन सब के ऊपर, और जो आज की डेट में इनकी दिमाग में और इनके ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो प्रॉब्लम्स ही इसलिए हैं कि ये लोग जो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, एथिक्स को फॉलो नहीं करते। जो ये जानते तो सब कुछ हैं, अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं हैं। अगर ये वाला व्लॉग देख लो तो ऐसा लगेगा कि इनके हेटर्स ने बनाया ये वाला व्लॉग, और हो सकता है ये अपने खिलाफ ही सॉरी टू से लेकर आ जाए। पर चलिए, आपको इनकी असलियत तो पता लगेगी, अगर चाहें तो आप ये वाला व्लॉग देख सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।